ये अल्ट्रा लेफ्ट के कारण आप मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र में भी कई घटनाएं हुई जिसमें अल्ट्रा लेफ्ट के ऊपर आरोप गया, दिल्ली में कुछ घटनाएं हुई अल्ट्रा लेफ्ट के ऊपर आरोप गया, लेकिन यहाँ तो जो पंजाब से किसान आया वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान से जो चले आ रहे हैं किसान वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, आप भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप बिहार के प्रभारी रहे हैं, क्या चिंता सिर्फ इन्हीं दो राज्यों में किसानों को है? आपको लगता है यहाँ कांग्रेस ही बढ़ावा दे रही है? जी बिल्कुल, और ये कांग्रेस की इतनी दोगली नीति है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, अभी जो लैंड लीजिंग का कानून यहां पर तैयार किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने 2006 में ये कानून मंजूर कर दिया और 2006 से आज तक महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून चल रहा है और उसका फायदा भी किसान उठा रहे हैं। आप नासिक में जाकर देख सकते हैं, वैल्यू चेंज तैयार हुई है, किसी किसान की खेती नहीं गई, किसी किसान को लूटा नहीं गया, किसी किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी इस प्रकार का कानून 14 साल पहले लाती है तब वो सही होता है, और देश ने अगर वही कानून लाया तो वो कृषि विरोधी हो जाता है, कृषक विरोधी हो जाता है, एंटी फार्मर हो जाता है। इतना ही नहीं तो आज भी महाराष्ट्र में सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र था कांग्रेस एनसीपी के जमाने में 28 लोगों को, कॉरपोरेट्स को डायरेक्ट खरीद का लाइसेंस सबसे पहले महाराष्ट्र ने दिया। और इतना ही नहीं तो प्राइवेट एपीएमसी, इसका भी सबसे पहला कानून महाराष्ट्र में बना। आज भी महाराष्ट्र में प्राइवेट एपीएमसी है, वहां पर डायरेक्ट बेचा जा सकता है, जहां पर सरकारी एपीएमसी भी चल रही है और प्राइवेट एपीएमसी भी चल रही है, डायरेक्ट खरीद भी यहां पर चल रही है। अब यही कानून अगर देश के संसद में बनते हैं तो इनको वो कृषि विरोधी लगते हैं, और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी वही कानून बनाती है तो बिल्कुल वो कृषकों को मदद करने वाले कानून है। ये दोगली नीति है मोदी जी की सरकार के खिलाफ। कोई भ्रष्टाचार का आरोप ये कर नहीं पाए, विकास के सारे कामों का मुकाबला नहीं कर पाए, तो जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कीजिए। इस प्रकार से कंफ्यूज करने का प्रयास और बहुत ही गलत प्रयास कांग्रेस की तरफ से चल रहा है।